जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिजवान थे की रिपोर्ट। सुनत इब्राहिमी की अदायगी के लिए नवाबशाह, दौड़, सकंड और काजियामन समेत दीगर शहरों में मवेशी मंडियां कायम हो गई हैं, लेकिन महंगाई में होशरुबा इजाफे के बायस खरीदारों ने अभी तक मंडी का रुख नहीं किया है, जिसकी वजह से व्यापारियों में तशवीश पाई जाती है। मंडी का कोई माल बिकता भी नहीं है, माल दाम करता हूँ तो माल बिल्कुल ही कम बिकता है। 12 महीना हम जानवर को पालते हैं, 8,000 का 9,000 का बच्चा लेता हूँ, वो अभी वो लग रहा है 10,000 11,000, हम किधर जा रहे हैं। खरीदारों को देखो, 12,000 वाले को बोलते हैं 8-9, वो हमारे को पले पलता जाके देने का, पानी के पैसे भी हमारे को नहीं देते। आप जाके शहर में रखोगे एक दिन उसको सड़ा पचलाओगे। दौड़ की मवेशी मंडी में महंगी एक गाय 2 लाख रुपए में फरोख्त हुई है। शहरियों का कहना है कि जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही है। कोई चीज समझ में नहीं आई। हम ले रहे हैं 30-35 तक का, जो 30-35 की रेंज का हमें यहाँ पे बता रहे 60-65 हज़ार रुपए का, हमारी तो रेंज में नहीं आ रहा। सुनते बहमी, तमाम साहिब हैसियत मुसलमानों पे फर्ज है, लेकिन महंगाई में होशरबा इजाफे से इस फर्ज की अदायगी में मुश्किल हो गई है। कैमरा मैन चौबान कासिल के साथ रिजवान थे, वो ARY न्यूज नवाब। जी, ईद उल अज़हा की आमद आमद है, इसमें तालुक आती है रिपोर्ट मुलाजा की। और अब एक और जो है वो रिपोर्ट को हम शामिल करते हैं कि मुझे मालूम है 205 किलो वजनी भेड़ आवाम की तरफ